सोशल मीडिया के माध्यम से हमने आपका समर्थन किया, क्योंकि आज राज्यसभा का चुनाव है और मतदान भी आवश्यक है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि राज्यसभा में मतदान करने के बाद खेमसर विधायक, मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई पुखराज जी और इंदिरा जी और नारायण बेनीवाल तीनों विधायक और हम खुद आपके साथ, जब तक हंसराज को न्याय नहीं मिल जाता, हम इस आंदोलन के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर ईंट से ईंट बजा देगी सरकार की। ये विश्वास में आपको राजस्थान के अंदर बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन सरकार को जब जब झुकाया तो वकीलों के आंदोलन ने राजस्थान की सरकार के घुटने टिकाए, या देश के अंदर किसानों का आंदोलन ने प्रधानमंत्री मोदी के घुटने टिकाए। ये दो ही आंदोलन देश वकील जिंदा, और जब वकील सड़क पे होता है तो सरकार बंद हो जाती है ऑफिसों के अंदर। और मुझे पूरा विश्वास है, और मुझे आज भी याद है जब आपने आज से 8-7-10 साल पहले बड़ा आंदोलन किया, पुलिस ने गोलियां चलाई आपके ऊपर, उस वक्त आपका भाई हनुमान बेनीवाल वहां के बीच वहां भी बैठा, और जो आंसू गैस के घोड़े वो लेके राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचा था, जो छूटे नहीं थे। और उस समय मेरे ऊपर मेरी सदस्यता खत्म होने की तलवार भी लटक गई थी। मैंने कहा सदस्यता खत्म हो जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन वकीलों को इस तरह पुलिस की गोलियों का शिकार नहीं होने देंगे। और वकील जो लोगों को न्याय दिलाते हैं, अगर खुद न्याय पाने के लिए एक किसान का बेटा, एक वकील जिन्होंने किन परिस्थितियों के अंदर LLB की डिग्री की थी, किन परिस्थितियों के अंदर संघर्ष किया, और वो न्याय उसे नहीं मिला तो उसने सुसाइड किया और पेट्रोल अपने आप छिड़क के और अपनी ये लीला समाप्त कर ली। इससे ज्यादा गिरावट इस प्रदेश के अंदर नहीं आ सकती। राजस्थान में जंगल राज है। एक वकील जो लोगों को न्याय दिलाता है, उसे खुद न्याय नहीं मिला और उसने ईश्वर के हवाले कर दिया अपने आप को। मैं आप सब भाइयों को आपकी मजबूती के लिए धन्यवाद दूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है जो भी मांगे इसमें चाहिए SDM थानेदार सहित अगर वहां के राजनेता भी शामिल है, मैं मांग करूंगा कि तमाम लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, मृतक के परिवार को मुआवजा, नौकरी सहित तमाम मांगे मानी जाए। और मैं तो कहूंगा कि हाईकोर्ट वकील का मामला है तो हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश मामले की या सिटिंग